अभी पूरा विश्व एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है दोस्तों, उसमें भी सुपर पावर अमेरिका में मेडिकल इमरजेंसी लग गई है और हर देश में त्राही माम है। तो चलिए हम लोग गूगल केयर से समर्पित इन चंद पंक्तियों के द्वारा इस सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं। ए इंसान तेरी कैसी है ये बेबसी, ए इंसान तेरी कैसी है ये बेबसी, दब गई मुखौटों के पीछे तेरी हंसी, दब गई मुखौटों के पीछे तेरी हंसी। तू तो कहता था तरक्की करो ना, तू तो कहता था तरक्की करो ना, तो फिर क्यों रोता है कोरोना कोरोना, तो फिर क्यों रोता है कोरोना कोरोना। आगे की ये चंद पंक्तियां उस नवजात शिशु को है जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, और इस पंक्तियों की गहराई को समझने का कोशिश कीजिए। तू छींक मत तू खास मत, तू छींक मत तू खास मत, तू भूल जा माँ के स्पर्श का प्यार, तू भूल जा माँ के स्पर्श का प्यार, तू भूल जा माँ के स्पर्श का प्यार। ऐ मनुज तू तरक्की कर, ऐ मनुज तू तरक्की कर, तू और बना एक नया हथियार, तू और बना एक नया हथियार। बार बार तू हाथ धो, बार बार तू हाथ धो, तुझे उठाने हैं और एक नया हथियार, बार बार तू हाथ धो, तुझे उठाने हैं एक और नया हथियार। तू डिसलाइक कर, तू अनसब्सक्राइब कर, फिर भी मत बोलना कोरोना कोरोना। अभी का जो परिवेश है, हर कोई मनुष्य अपनी खुशी को समेटना चाह रहा है, हर कोई मनुष्य अपनी खुशी को बचाना चाहता है। मनुज तू मना ले, मनुज तू मना ले थोड़ी सी खुशी, मनुज तू मना ले थोड़ी सी खुशी, फिर मत बोलना तरक्की करो ना तरक्की करो ना। और ये लास्ट की चंद पंक्तियां उस सिचुएशन के लिए है जो आज से 20 से 30 साल बाद बहुत ही गंभीर परिस्थिति होगी, उस समय मनुष्य के मुंह से यही कुछ चंद पंक्तियां निकलेंगी। ऐ वक्त मुझे माफ कर, ऐ वक्त मुझे माफ कर, नहीं बोलूंगा दोबारा तरक्की करो ना, नहीं बोलूंगा दोबारा तरक्की करो ना। ऐ वक्त मुझे माफ कर, ऐ वक्त मुझे माफ कर, नहीं रोऊंगा दोबारा कोरोना कोरोना। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, यह गूगल केयर की तरफ से यह हमारा कोशिश रहा कि मैं इस परिवेश को इन कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा आपके तक पहुंचाऊं। धन्यवाद दोस्तों।